What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ना एकदम सूदिंग वाली एकदम गरम गरम रेसिपीज खाने में जो मज़ा आता है वैसी एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, रसम वड़ा की। जो रसम वड़ा है ना खाने में इतना मज़ा आता है बारिश के मौसम में, वो गर्मा गर्म रसम इतना सूदिंग, इतना कम्फर्टिंग, इतना होलसम लगता है रसम पीने में जो मज़ा आता है। और आज बना रहा हूँ टमेटो रसम, जो पहले एक डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर चुका हूँ, बट आज आपको रसम बता रहा हूँ क्योंकि रसम वड़ा आज हम बना रहे हैं। और वड़ा भी जो है ना एकदम परफेक्टली घर पे कैसे बनाते हैं वो आज आपको बताने वाला हूँ कि बैटर एकदम परफेक्टली कैसे बनाना है, एकदम वो फ्लफी लाइट सा बैटर कैसे बने ताकि एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वड़े बने, अंदर से एकदम फ्लफी वड़े बने और ऊपर से एकदम क्रिस्प बने और अंदर से अच्छे से एकदम पक जाए। तो सारी टिप्स आपके साथ शेयर कर दूंगा और फिर रसम वड़ा सर्व करेंगे जिसे खाने में बहुत मज़ा आता है। इट्स सच अ होलसम एंड कम्फर्टिंग रेसिपी। थोड़ा सा अंडर द वेदर भी फील हो रहा होता है तभी ये रसम पीने में बहुत मज़ा आता है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ ब्यूटिफुल रेसिपी जो आपको बारिश के मौसम में तो मज़ा आएगा ही, बट बारिश का मौसम नहीं भी हो तो भी बना कर खाओ, यू विल इन्जॉय दिस रेसिपी। और अगर आपने अभी तक वाईफाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटिफुल रेसिपीज ऑन वाईफाई। अब एकदम परफेक्ट तरीके से रसम वड़ा बनता कैसे वो देख लेते हैं। तो रसम वड़ा बनाने के लिए 1/4 कप तुअर दाल ले ली है, उसको मैंने धोकर अच्छे से सोख कर लिया था 1-2 घंटे के लिए। दाल को सोख कर लीजिए, उसके बाद ये पानी निकाल कर दाल का एक प्रेशर कुकर में इस भिगोई हुई दाल को ऐड कर दीजिए, साथ ही में खूब सारा पानी ऐड कीजिए और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और 3 से 4 सीटी होने तक आपको दाल को पका लेना है। दाल अच्छे से गल जानी चाहिए क्योंकि बाद में हमें दाल को अच्छे से मैश कर लेना है। एक बार 3 से 4 सीटी हो जाए उसके बाद गैस को बंद करके कुकर की स्टीम को निकलने दीजिए, फिर चेक करके आपको ढक्कन को खोल लेना है। अब देख सकते हो दाल अच्छे से पक गई है। दाल को मैं अभी एक विस्क यूज़ करके अच्छे से फेंट लूँगा कि दाल हमारी अच्छे से मैश हो जाए। कई लोग सिर्फ ये दाल का पानी भी यूज़ करते हैं अगर एकदम पतला रसम बनाना है तो, बट मैं ऐसी क्वांटिटी बनाता हूँ कि दाल भी ऐड कर दोगे तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपके रसम की आएगी। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से एकदम अच्छे से मैश कर लिया दाल को। इस दाल को भी आपको साइड पे रख देना है। अब एक बर्तन ले लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून तेल ले लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून राई, 12 से 15 कड़ी पत्ते, 2 स्लिटकी हुई हरी मिर्च, 4 सूखी लाल मिर्च और 6 कलियां लहसुन की रफली चॉप करके ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है कि लहसुन थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। एक बार लहसुन पक जाए तब इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 2 चॉप किए हुए टमाटर, खूब सारे धनिए के जो डंठल होते हैं जो स्टॉक होती है उसको काट के ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब अच्छे से स्टर करके जब तक टमाटर गल जाएं तब तक पका लेना है, लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। एक बार टमाटर गल जाएं तो फ्लेम को लो करके इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक लेमन साइज बॉल इमली का ले लिया था, उसको सोक कर लिया था अच्छे से। इसका पानी अच्छे से हमको ऐड कर देना है, पल्प भी जो होगा वो भी ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड करना है खटास को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। मीठा नहीं होना चाहिए रसम, बस बैलेंस करने जितना आपको गुड़ इसमें ऐड करना है। अच्छे से स्टर करके हाई फ्लेम पर एक उबाल आ जाए तब तक पका लीजिए कि जो इमली की रॉनेस है, जो कच्चापन है, वो हल्की सी कम हो जाए। एक बार इसमें उबाल आ जाए तो इसमें जो हमने दाल को पका के रखा था वो ऐड कर दीजिए और साथ ही में खूब सारा गर्म पानी ऐड करना है और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेना है। एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी का रसम इस स्टेज पर होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए, पानी के बराबर इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा आगे और पकाना है। आप देख सकते हो कैसी कंसिस्टेंसी है यहाँ पर। इसे अभी आपको अच्छे से पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के लिए एक सिमर पे लाकर इसको उबलने दीजिए कि अच्छे से पक जाए। एक बार 7 से 8 मिनट के लिए इसको हमने पका लिया तो आप देख सकते हो हल्का सा ये रिड्यूस हुआ है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी वाटरी है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें रसम का पाउडर हमें ऐड करना है। आप देख सकते हो मेरा होममेड रसम मसाला है ये, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, या आप रेडीमेड रसम पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। 3 टेबलस्पून आपको रसम का मसाला ले लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और मिक्स कर लेना है कि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। एक बार इसको आपने मिक्स कर लिया है तो इसे आपको रसम में ऐड कर देना है और अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि रसम पाउडर ऑलरेडी पका हुआ होता है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है, अगर नमक रिक्वायर्ड है तो नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही में एक लार्ज चुटकी काली मिर्च की ऐड कीजिए और ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा टमेटो रसम रेडी हो गया।
तो ये जो रसम है ना, इतना डिलिशियस लगता है, इतना सूदिंग, इतना कंफर्टिंग होता है कि बस ऐसे मैं ग्लास में डाल के इसको पी लेता हूँ। मज़ा आता है ऐसे पीने में, बहुत ही एक टैंगी सा रसम ये बनता है और जैसे ही इसको पियोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आज मैंने टमेटो रसम बनाया। अब रसम एक ऐसी चीज़ है कि हर घर की रेसिपी जो है वो अलग होती है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन रसम रेसिपी, और ये जो रसम है मैं इस तरीके से बनाता हूँ और मुझे बहुत पसंद है, तो आप बना सकते हो अपने घर पे। जैसे टमेटो रसम बनता है वैसे और अलग अलग टाइप के भी रसम बनते हैं। मैंने रिसेंटली एक केरी का रॉ मैंगो रसम भी शेयर किया था, तो ऐसे अलग अलग रसम बनते हैं। ये भी जो रसम है इसमें दाल जो है कभी कभी नहीं ऐड की जाती, सिर्फ पानी से भी बनाया जाता है, बट मैं थोड़ी सी दाल इसमें ऐड कर जाता हूँ कि थोड़ा सा बॉडी थोड़ी सी इसमें आ जाए रसम के अंदर, और थोड़ी सी दाल भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। दाल को स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। जो रसम पाउडर मैंने यूज़ किया है वो मेरा होममेड है, मैं घर पर बनाता हूँ। उसकी जो रेसिपी का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप अगर बनाना चाहते हो घर पे तो ज़रूर बना सकते हो, या मार्केट में रसम पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है तो वो भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मसाला कितना आपको तेज़ रखना है वो कम्प्लीटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रांग बनाना है तो ज़्यादा मसाला डालिए, थोड़ा सा कम्फर्टिंग और सूदिंग बनाना है तो हल्का मसाला डालिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो रसम तो हमारा तैयार हो गया, इसको एज इट इज़ आप सर्व कर सकते हो सिर्फ रसम पीना है तो। चावल के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है, रसम राइस आप खा सकते हो थोड़ा पापड़ के साथ। आज हम रसम वड़ा सर्व कर रहे हैं, जैसे यूजुअली हम रेस्टोरेंट्स में या उडुपी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या आउटलेट्स होते हैं वहाँ जाके खाते हैं, वैसे वाला रसम वड़ा आज शेयर कर रहा हूँ। तो आगे वड़ा एकदम परफेक्टली कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक कप यहाँ पर मैंने उड़द दाल ले ली है, उसको आपको अच्छे से धो लेना है और धोकर इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर लेना है। यहाँ पर मैंने दाल को ऑलरेडी सोक करके रखा हुआ है, इसका पानी डिस्कार्ड कर लेना है और जो दाल है उसे अभी हमें पीसना है एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर करके। तो दाल को मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए और कम से कम पानी यूज करके इसको ग्राइंड करना है। तो पहले तो इसको एज इट इज ग्राइंड कर रहा हूँ, जितना आप ग्राइंड कर सकते हैं कर लीजिए। मिक्सर का पल्स मोड इस्तेमाल कीजिए कि दाल जो है वो गर्म ना हो, गर्म नहीं होनी चाहिए दाल। तो बंद चालू करके इसको पीसिए, जितना आप पीस सकते हैं एक बार में पीस लीजिए। फिर धीरे धीरे इसमें एकदम चिल्ड पानी डालना है, ठंडा पानी डालिए कि दाल हमारी गर्म नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड कीजिए, जितना कम से कम पानी यूज़ करेंगे उतना आपका बैटर बढ़िया बनेगा। तो लगभग मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून बस पानी यूज़ किया था और इसे ग्राइंड कर लिया। आप कंसिस्टेंसी इसकी देख सकते हैं, ऐसी कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। इस बैटर को अभी आपको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। एक बार एक बड़े से बोल में आपने बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया, इसको अच्छे से फेंटना है, इसमें एयर इनकॉर्पोरेट करनी है, इसको फ्लफ़ी कर लेना है। तो या तो आप एक विस्क का इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर दोनों नहीं इस्तेमाल करने हैं तो साफ हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाथ से बीट करके आपको बता देता हूँ। तो हाथों से आपको इस तरीके से इसको इस मोशन में ऐसे फेंटना है ताकि इसमें हवा इनकॉर्पोरेट हो, ये फ्लफ़ी हो जाए और इसका कलर भी ना थोड़ा सा लाइट पेल कलर हो जाएगा। जैसे जैसे इसको आप फेंटोगे आप देखोगे कि एकदम लाइट दिखना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बीटर से तो एकदम आसान तरीके से फटाफट हो जाता है, हाथ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बट अच्छे से आपको फेंटना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसे फेंट लेंगे आप देख सकते हो ये कैसे फ्लफ़ी हो गया है और कलर इसका थोड़ा सा पेल वाइट कलर का हो गया है, ऐसे हो जाना चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बैटर लीजिए और पानी में ऐसे डालिए, ये ऊपर फ्लोट होना चाहिए, सिंक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका बैटर एकदम रेडी है। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए, 10 से 12 कड़ी पत्ते चॉप किए थे वो ऐड कर दीजिए, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून हींग इसमें ऐड कर दीजिए। और अभी हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो हवा हमने इसमें इनकॉर्पोरेट की थी वो निकल नहीं जाए। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेना है और ये आप देख सकते हो हमारे वड़ा का जो मिक्सर है, जो बैटर है, वो रेडी हो गया है। तो वड़ा का जो बैटर है बहुत आसान होता है घर पे बनाना, आपने देखा कैसे मैंने फटाफट बना लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, दाल को 3-4 घंटे के लिए सोक करना इम्पॉर्टेंट है, कम से कम पानी यूज़ करके इसको ग्राइंड करना इम्पॉर्टेंट है, और पीसते समय ज़्यादा गर्म नहीं हो तो ठंडा एकदम चिल्ड पानी यूज़ कीजिए तो एकदम परफेक्ट आपका बैटर बनेगा। इसको अच्छे से फेंटना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए तो ही आपको वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर से फूले हुए जो वड़े हैं वो बनेंगे, नहीं तो एकदम डेंस वड़े बनेंगे अगर फेंटोगे नहीं तो। तो अच्छे से इसको फेंटिए कि इसमें हवा इनकॉर्पोरेट हो जाए। और जो बाकी की चीज़ें मैंने सीजनिंग के लिए इसमें ऐड की है वो हर घर में अलग होती है। एकदम सिंपल बनाना चाहते हो तो सिर्फ नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो, अगर ये सारी चीज़ें डालनी है तो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो।
जो बैटर हमने बनाया वो मेदू वड़ा का जो बैटर होता है वैसे ही है, खाली मेदू वड़ा में मैं एक्स्ट्रा इसमें थोड़ा सा कोकोनट भी कट करके डालता हूँ जो यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है। तो वो आप कम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स में कर सकते हो, बाकी जो बेस है रेसिपी का वो सेम रहेगा। एक बार आपका बैटर तैयार हो गया है तो इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपकी जो कढ़ाई है जिसमें तेल है वो अच्छे से तेल गर्म हो जाना चाहिए और फिर ही आपको वड़ों को फ्राई करना है। फ्राई कैसे करना है वड़ों को एकदम परफेक्टली वो देख लेते हैं। तेल को मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया, यानी कि तेल आपका अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए और फ्लेम को आपको मीडियम पर रखना है। हाथों को ठंडे पानी में डिप करना है कि बैटर हाथों को चिपके नहीं, और थोड़े थोड़े बैटर के पोर्शन इस तरीके से लेके आपको तेल में केयरफुली ड्रॉप कर देना है। तो जितने आप वड़े ड्रॉप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी ओवरक्राउड नहीं करना तेल को, उतने वड़े इसमें ड्रॉप कर दीजिए। आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा तेल को इस तरीके से वड़ों के ऊपर डालना है कि ऊपर से भी जो वड़े हैं वो सील हो जाएं एक बार तेल से। एक बार ऊपर से सील हो जाएंगे तो तेल पिएंगे नहीं और अच्छे से आपके वड़े फ्राई होंगे। एक बार ये शेप पकड़ लें तो मीडियम फ्लेम पर ही इनको अच्छे से फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पर मत कीजिए, नहीं तो बाहर से कलर पकड़ लेगा वड़ा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। वो रीज़न होता है कि अंदर से वड़ा कच्चा रह जाता है। मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से फ्राई कीजिए कि बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाए और अंदर से वड़ा एकदम अच्छे से पक जाए। एक बार वड़े अच्छे से पक जाएं, आप देख सकते हो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसे निकाल लेना है और एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेना है कि एक्सेस तेल जो है वो निकल जाए। यहाँ पर आपको एक वड़ा तोड़ के भी दिखा देता हूँ, या आप देख सकते हो अंदर से कितना एरी है, कितना सॉफ्ट और फ्लफी ये वड़ा बना है। ऐसे ही आपका वड़ा बनना चाहिए। तो वड़े आपने देखे कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं, एकदम अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्प हैं। तो ये वड़े भी बहुत डिलीशियस लगते हैं। मैं तो कभी कभी ऐसे ये जो वड़े हैं चटनी के साथ भी खाने में बहुत मज़ा आता है। कोई भी चटनी, कोकोनट चटनी बना लो, अनियन चटनी बना लो, जिंजर की चटनी बना लो, या मीठी चटनी के साथ भी खाने में कभी कभी मज़ा आता है। तो ये वड़े आप इस तरीके से बना सकते हो, परफेक्ट वड़े बनते हैं। अब रसम वड़ा सर्व करने के लिए ना दो तरीके हैं। एक तो आप गरम गरम रसम लेना है, रसम एकदम गरम पीने में ही मज़ा आता है, और उसमें वड़े डालकर आप सर्व कर सकते हो उसी टाइम। तो थोड़ा सा जो क्रंच है ना वड़े का वो मेंटेन रहेगा। तो अगर वैसे पसंद है तो इमिजिएटली मिक्स करके आप सर्व कर सकते हो। कई बारी आपने देखा होगा रसम वड़ा एकदम सोक कर लेता है वड़ा रसम को, और एकदम सॉफ्ट होता है, जैसे दही बल्ले में कैसा होता है एकदम सॉफ्ट होता है, अंदर तक सोक कर लेता है सारी चीज़ें। वैसे अगर करना है तो वड़ों को फ्राई करते ही ना गरम गरम वड़ों को गरम गरम रसम में डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। एक 5-7 मिनट के लिए रखेंगे ना तो वड़ा एकदम सोक कर लेगा रसम को और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर वैसा टेक्सचर पसंद है आपको तो उस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा सोक करके भी सर्व कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपको टेक्सचर्स पसंद आते हैं वैसे आप इसे सर्व कर सकते हो। अब मेरा जो रसम वड़ा बनकर तैयार है इसे प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। ही मज़ा आ गया ये रसम वड़ा को आज खाकर और बनाकर भी आप सबके लिए। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सूदिंग, इतनी होलसम रेसिपी है, और स्पेशली बारिश के मौसम में तो और मज़ा आता है इसे खाने में, क्योंकि बारिश होती है तब ऐसे गरम गरम सूदिंग रेसिपीज बनाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली वो रसम पीने का जो मज़ा है ना कुछ और ही है। तो ज़रूर अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू वाईफाई इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।